सावधानी से ध्यान, ध्यान कीजिए ध्यान से, भोजन कीजिए ध्यान से। एक लड़का मोबाइल देखी देखी खा रहे ना, ताकर मोबाइल रोटी जे तोड़े न दाली में नहीं डुबावे, पानी हम डुबा के दे दे। पत्नी बड़ बिगड़े, दाल बढ़िया नहीं बने है, पानी रंग बनाई धरी दल है, जाग मारबे कर। पत्नी अल अल मोबाइल छीन लल के मुंह धो पा दाल छे न कटोरा में लोट छे दाल, ताके जे मोबाइल रोटी डुबाई छे लोट। अब विचार ध्यान मतलब होता है कि ध्यान कीजिए ध्यान से, भोजन कीजिए ध्यान से, रास्ता चलिए ध्यान से। एक आदमी एहनो मोटरसाइकिल उड़वे जे पत्नी गिरी ले जाइए। ध्यान मतलब होता है कि हर काम ध्यान से करें। गाड़ी ध्यान से चलाइए, स्थिर से चलाइए, आराम से चलाइए, जंग पर जोखिम देकर ओवरटेक मत कीजिए, अपने साइड में चलिए। ध्यान रहे इतना सुंदर शरीर है, 75 वर्ष व्यर्थ चला गया, अभी तक दीक्षित नहीं हुए, अभी तक भजन भेद नहीं लिए, बताइए क्या लेकर यहाँ से जाइएगा। चलिए बढ़िया भोजन बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन, किसी के साथ प्रिय बोली बोलना चाहिए। सास यदि आप हैं तो पतेहू को बेटी मानिए, पतेहू यदि आप हैं तो सास को मां मानिए, तब घर चले। सास को चाहिए बढ़िया बोली बोलना चाहिए, कन्या नी कल कन्या नहाओ कल बढ़िया तरकारी बनबो कन्या बच्चा नहीं अंशु कत महबो करेला जरा धरी लो कन्या खबैया की कहता, ये ना बोलना चाहिए। यखा का सास पुतहू के सांस नहीं लिया दीजिए, कच कच कर तब बाप बिहार कर लगो, नहीं मोटरसाइकिल दल को नहीं फीरी दल को की दल है। बोलो सास के जमराज, सास को चाहिए पति हो को बेटी समझ। एक घर में सास पतहू रहे, अब पुतहू कढ़ी बनल के कढ़ी, आ कढ़ी जरा सा कढ़ी में नमक बेसी पड़ी, सास के दिल के कढ़ी रोटी, सास ने जे कढ़ी रोटी जे मुंह में लेलके, नमक जे जरा सा बेसिए पड़ी गल रहे, थारिया उठाए के पुता हुआ पर फेंकी दी, बेचारी के पूरे देह कढ़ी लागी। तब रामायण शुरू कर लगे, बाल कांड से शुरू कर लगे, ले 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 उत्तर कांड पहुंचा जाए, कढ़ी बने ने जे मयो कढ़ी बने ने जे कने जी बने ने जे दे दल के निम्मा की एकरो कने जी खाई भई। 8:03 का शुरू कर लके गाड़ी दल हो बाबू, देते देते फारू दिन भर दल के रात भर फारू 8 बजे, अब पोता हुओ वहीने फारू कढ़िए बने रखे। कल गई एक दाव गलती होले तो ले हर दम एक गलती नहीं है ना होता है, फारू कढ़ी बने कढ़ी रोटी थारिया में लग गेले दैल मा गाड़ी आ बनाए दो हला दोसरो कढ़ी बने ने छी। कढ़ी रोटी जब फारू जब मुंह में लेल के खान तो बढ़ियों लगले के ना, मिस नहीं होलो रहे, खाम अच्छे लगले लेकिन गुस्सा उतने उठले आएगा, यही ने कढ़ी तो काल बने दिया है आ नहीं खैतिया काल नि मक कहने दिले, यही ने कहने बने हले 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 हारू थारिया फेंक। आदमी को दुख जो होते हैं तीन प्रकार के, एक दैविक दुख, एक अभाव दुख, एक स्वभाव दुख।
आदमी को अपना स्वभाव भी बढ़िया बनाना चाहिए, कुछ सहन करने का भी क्षमता रखना चाहिए। चलिए, जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए, बढ़िया भोजन करना चाहिए, बढ़िया भजन करना चाहिए, मुंह से बढ़िया वचन निकालना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर कथा। मेघनाद का जब किया लक्ष्मण ने संहार, लंका में तब घर घर होता हाहाकार। मेघनाद रावण का बेटा का नाम था मेघनाद। रावण ने सीता को चुरा कर ले गया था। मेघनाद और लक्ष्मण में युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद कि पत्नी सुलोचना पति के लाश के साथ जल गई, पति के साथ सती हो गई सुलोचना। जब मेघनाद नहीं रहा तब लंका में हाहाकार मच गया। लंका में सन्नाटा छा गया। लंका पति रावण मूर्छित हो गया। पूरे लंका में सन्नाटा छा गया मेघनाद मरने के बाद। लेकिन भगवान राम के दल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सुंदर कथा है, आप लोग सुन करके ही जाएंगे। चोरी नहीं करना चाहिए, शिक्षा प्रद कथा है रामचरितमानस। लंका में तो हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन राम के दल में जय जयकार मचा हुआ था। जो आदमी विजय पाते हैं ना, देखवे करते हैं, बिना होली का होली बना देते हैं। चलिए, इधर राम दल में जय जयकार हुआ। जामवंत अंगद नाल नील इत्यादि उछल रहे हैं। अब मेघनाद मारा गया और लंका पर चढ़ाई करना है, माता सीता जी को वापस करना है। जामवंत अंगद नल ने सेना क्रम में आशका कहा, निश्चर नायक दस कंधर भारी जो सबको सौंप रहा। लड़खड़ा रहा है दस कंधर, जा दरबार कपाटों को तोड़ो। इधर राम दल में जय जयकार हो रहा है। लड़खड़ा रहा है दस कंधर, जा दरबार कपाटों को तोड़ो। और मिलजुल कर सब जंग लड़े श्री रामचंद्र की।
लड़खड़ा रहा है दस कंधर, जा दरबार कपाटों को तोड़ो, मिलजुल कर सब जंगलन श्री रामचंद्र की जय बोलो। राम दल में जामवंत अंगद नल नील इत्यादि सबके सब खुशी में है, मिलजुल कर सब जंग लड़े श्री रामचंद्र की जय बोलो। इधर बाणनी सेना में हो लड़ने की कुछ बात, उधर लखन रघुनाथ से करते हैं संवाद। राम दल में बानर सब लड़ने की बात कह रहे थे, लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से भगवान श्री राम से कहा, प्रभु